DaVIP TV, सच आपके सामने। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ने ही इंग्लैंड को बनाया वर्ल्ड चैंपियन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द वीआईपी टीवी में। चलिए जानते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। दोस्तों, कल विश्व को क्रिकेट का एक नया चैंपियन मिल गया। क्रिकेट के जन्मदाता इंग्लैंड ने 44 साल के सूखे को खत्म करते हुए इतिहास रच दिया और अपने घर में हो रहे टूर्नामेंट का खूब फायदा उठाया और अंततः वर्ल्ड चैंपियन बन गया। इंग्लैंड ने पहली बार विश्व कप जीता है और यह उनकी चौथी वर्ल्ड कप फाइनल थी। इससे पहले इंग्लैंड ने 3 बार फाइनल में पहुंचा, लेकिन जीत नसीब नहीं हुई। दोस्तों, ये क्रिकेट इतिहास का सबसे रोमांचक मैच था जब इंग्लैंड ने फाइनल में न्यूजीलैंड को सुपर ओवर में मात दी। दोस्तों, ये पहली बार हुआ है जब वर्ल्ड कप फाइनल का रिजल्ट सुपर ओवर में निकला हो। दोस्तों, इस मैच में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के सामने 242 रनों की चुनौती रखी थी, लेकिन इंग्लैंड 50 ओवरों में 241 रन पर ऑल आउट हो गई और मैच सुपर ओवर में गया, जहां इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के सामने 16 रनों की चुनौती रखी, लेकिन सुपर ओवर में भी मैच टाई रहा और इंग्लैंड को ज्यादा बाउंड्रीज मारने के कारण विजेता घोषित किया गया। दोस्तों, इस शानदार मुकाबले में इंग्लैंड को जीत दिलाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ बेन स्टोक्स का रहा, जिन्होंने अपने दम पर इंग्लैंड को जीत दिलाई। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, बेन स्टोक्स पहले न्यूजीलैंड में ही रहते थे। उनका जन्म न्यूजीलैंड में ही हुआ है। बेन स्टोक्स का जन्म 4 जून 1991 को न्यूजीलैंड की राजधानी क्राइस्टचर्च में हुआ था, लेकिन वे क्रिकेट सीखने के लिए इंग्लैंड में आ गए थे और यहीं उन्होंने क्रिकेट सीखा। क्रिकेट खेलते खेलते वे दाएं हाथ के मध्यम गति के तेज गेंदबाज और बाएं हाथ के बल्लेबाज बन गए। फिर उनको इंग्लैंड ने अपने पास रख लिया और आज न्यूजीलैंड के इस प्लेयर ने न्यूजीलैंड को हराने में अहम भूमिका निभाई। दोस्तों, बाएं हाथ के बल्लेबाज बेन स्टोक्स ने 98 गेंदों पर 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से 984 रन बनाए। इस पारी में बेन स्टोक्स ने 5 चौके और 2 छक्के मारे और इंग्लैंड को जीत के दरवाजे तक पहुँचाया। इसके अलावा सुपर ओवर में भी इंग्लैंड ने बल्लेबाजी करने के लिए बेन स्टोक्स को जोस बटलर के साथ भेजा। सुपर ओवर में भी बेन स्टोक्स ने 3 गेंदों में 1 चौके की मदद से 8 रन बनाए। सुपर ओवर में इंग्लैंड की टीम ने न्यूजीलैंड के सामने 16 रनों का लक्ष्य रखा, लेकिन इस सुपर ओवर में भी मैच टाई रहा। ऐसे में ज्यादा बाउंड्री लगाने की वजह से इंग्लैंड विजेता बनी। दोस्तों, आपको फाइनल का रोमांचक मैच कैसा लगा? आप हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।